Yesterday's lecture we discussed about relational algebra and relational calculus, and I gave you one query to practice. Have you done that? How many of you tried that query? No one tried, na? That's why I didn't get any of the screenshot from your side, na? Yes, ma'am. I had sent you screenshot last night. Okay. So you find it easy or difficult to solve? I think it's easy. It will be a scoring. Compare करके हो गया था. 10 marks question will be a scoring question for you. You will be able to yes, do ma'am. Relational algebra query. You will be able to do SQL query, and then your relational calculus and relational calculus. You will be. You can easily do your relational. Which one? Which relational calculus? Domain or tuple? Which we have done? Domain, ma'am. Domain, ma'am. हाँ जी. Domain. We have done domain relational calculus. ठीक है, उसका जो main focus होता है that is based on the attributes. Fine. So today we will be starting with the TRC, that is tuple relational calculus. So for that I will not be using any PPT mode for that because I have shared you the notes for that and I will be following that only. Because it's easy way to understand, and the queries within the notes are the queries that you have already done in relational algebra queries. ठीक है, तो similar type की queries हो जाएंगी. That's why I prefer to use that handwritten notes for TRC only. ठीक है, so TRC just like your DRC is again non-procedural query language. ठीक है, इसमें भी हम कोई procedure नहीं define करेंगे. This is again declarative. Fine. तो इसमें आप जस्ट जो आपको रिक्वायर्ड है, व्हाटएवर इज नीडेड यू विल पुट दैट यू विदाउट डिफाइनिंग हाउ टू रिट्रीव द डाटा. आप सिंपली क्या डिफाइन करोगे कि क्या आपको रिक्वायर्ड है. सो वी से टप्पल रिलेशनल कैलकुलस इज अगेन अ टाइप ऑफ योर नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज. इट सिंपली डिस्क्राइब्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन विदाउट गिविंग अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन. फाइन, सो लेट अस हैव अ लुक एट द सिंटैक्स ऑफ दिस. So whenever you want to write any tuple relational query, it means हम tuples पे work कर रहे हैं. As we discussed in yesterday's lecture, उसमें आप क्या करते हो? Suppose आपने कोई variable use किया x, y, z, और आप जब उसको bind करवाते हो within a relation, we wrote x belongs to table का name. तो उस case में आपके पास क्या आ जाता है कि जब आप उसको bind करवाते हो, तो आपका जो आपका एट्रीब्यूट होता है, जिस किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को आप बाइंड करवाओगे, सिर्फ वही एट्रीब्यूट बाइंड होगा. ठीक है, बट अगर आप टीआरसी कर रहे हो, टप्पल रिलेशनल कैलकुलस जब आप यूज करते हो, तो उस केस में आपके पास जो आपके टप्पल्स होते हैं, जब आप किसी टप्पल को बाइंड करोगे, उस टप्पल के कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी एट्रीब्यूट होंगे, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट आपके बाइंड हो जाएंगे. तो अलग से किसी एट्रीब्यूट को आप बाइंड नहीं करोगे. फाइन, तो इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है? अगेन द क्वेरी इज रिटन इन दीज कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, कर्ली ब्रेसेस भी आएंगे ये भी. और सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे स्टार्टिंग विद द कर्ली ब्रेसेस, यू विल राइट टी. और इस टी का क्या मीनिंग है? इट मीन्स सेट ऑफ टप्पल्स, सेट ऑफ ऑल द टप्पल्स. यहाँ पे आपके सारे टप्पल्स आ गए. सच दैट का सिंबल हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस में, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में भी होता है, और टप्पल रिलेशनल कैलकुलस टीआरसी और डीआरसी दोनों में होता है. फाइन, तो उस केस पे अगेन सब जब आप टप्पल्स को स्पेसिफाई कर दोगे, आफ्टर दैट यू विल बी यूजिंग सच दैट सिंबल. फिर आप स्पेसिफाई करते हो पी ऑफ टी. व्हाट डज इट मीन बाय पी ऑफ टी? दिस इज प्रेडिकेट. ठीक है, कंडीशन. यही कंडीशन हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा में भी थी सिग्मा के साथ. ठीक है, यही कंडीशन आपके पास डीआरसी में भी है. ठीक है, सेम कंडीशन आप लिखते हो टीआरसी में भी. तो सेट जो भी आपकी पूरी की पूरी कंडीशन होती है, और यू कैन कॉल इट एक्सप्रेशन आल्सो. तो बेसिक जो आपका सिंटैक्स होगा, इट विल बी टी सच दैट पी ऑफ टी. ठीक है, तो इसमें टी क्या है? सेट ऑफ टप्पल्स. अर्लियर डीआरसी में क्या होता है? यू रोट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. वो एक्स वाई जेड क्या थे हमारे पास? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. इसमें हमारे पास क्या होते हैं? सेट ऑफ टप्पल्स होते हैं. उसके बाद में वी यूज द टर्म पी. दिस पी इज एनी प्रेडिकेट बिकॉज वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलस. तो कैलकुलस में हम टर्म यूज करते हैं प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट क्या होता है? वी चेक फॉर दिस प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर टी. मीन्स कोई ऐसा टप्पल, कोई ऐसी रो जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो. सपोज मैंने कोई आपके लिए टप्पल रिट्रीव करना है, मेरी कंडीशन अगेन होगी. ठीक है, सपोज मैं चाहती हूँ कि वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाए,
यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम सी एस सी है, तो अगेन माई कंडीशन इज ऑन एट्रीब्यूट, बट आप रिट्रीव क्या कर रहे हो, टप्पल्स। तो जब आप उस टप्पल को रिट्रीव कर रहे हो, जो उसका एट्रीब्यूट था जिसपे आपने कंडीशन लगाई है, वो साथ के साथ बाइंड हो जाएगा। तो दैट्स वाई वी से कि प्रेडिकेट पी इज ट्रू फॉर दैट टप्पल, एंड देन वी रोट टी ऑफ ए। व्हाट डज दिस टी ऑफ ए मीन्स, टी स्टैंड्स फॉर टप्पल एंड दिस ए स्टैंड्स फॉर एट्रीब्यूट। तो वी से डिनोट वैल्यू ऑफ टप्पल टी ऑन एट्रीब्यूट ए, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई टप्पल। अगेन वी रोट टी बिलोंग्स टू आर, इस टी बिलोंग्स टू आर का क्या मीनिंग होता है कि वो टप्पल जो आप रिट्रीव कर रहे हो, ये इस आर रिलेशन से रिट्रीव हो रहे हैं। सो वी आर रिट्रीविंग ऑल दिस टप्पल्स फ्रॉम रिलेशन R. So it says denote the tuple T in the relation R. Now let us start with the very first example. This example we did in relational algebra also, in DRC also. Now this example is done solved with the help of TRC. So in TRC again the condition says find the branch name. So we are retrieving the branch name, loan number and amount. So we are retrieving three. और कंडीशन क्या है यहाँ पे, लोन की अमाउंट है वो $1,200 से ग्रेटर है। तो उस केस में अगर इसी क्वेरी को मैं डीआरसी में लिखती, सो व्हाट डू आई रोट, ब्रांच के लिए वी यूज्ड द वेरिएबल नेम बी, फॉर लोन नंबर वी यूज्ड एल एंड फॉर अमाउंट वी यूज्ड ए। तो हम क्या करते थे, लिस्ट ऑफ कॉलम्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते थे, दैट वॉज बी एल ए, ठीक है, एंड दिस बी एल ए बिलोंग्स टू दिस लोन रिलेशन, ठीक है। अब इस केस पे आप क्या करोगे, वी आर नॉट बाइंडिंग एट्रीब्यूट्स इंडिविजुअली, हम टप्पल को बाइंड कर रहे हैं। सो यू विल सिंपली राइट टी, टी स्टैंड्स फॉर ऑल द टप्पल्स, इस टप्पल के लिए ये सारे एट्रीब्यूट्स रिट्रीव हो जाएंगे, एंड वी रोट टी बिलोंग्स टू लोन। तो और ये टप्पल कहाँ से आ रहे हैं, हमारे लोन रिलेशन से। आफ्टर दैट कंजंक्शन आएगी, कंजंक्शन में हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, और इस टी में से मींस उस टप्पल में से कौन सा एट्रीब्यूट पिक करो, अमाउंट, क्योंकि हमारी कंडीशन किस पे है, अमाउंट पे। तो उस पर्टिकुलर टप्पल में जिसमें हमारे पास ब्रांच नेम भी आया, लोन नंबर भी आया और अमाउंट भी आई, उसमें से आप अमाउंट को रिट्रीव कर लो। उस अमाउंट के लिए कंडीशन है हमारे पास ग्रेटर देन 1200। सो दिस विल बी द वे जब आप टीआरसी में राइट करोगे। अगर इसी को आप डीआरसी में लिखते तो क्या लिखते, यू रोट बी comma L comma A, then such that B comma L comma A belongs to loan and, और यहाँ पे T of amount की जगह पे simply greater than 1200, ठीक है। और अगर इसके DR से लिखते, sorry TR से लिखते हो, so we are dealing with the tuple, so we wrote T such that T belongs to R and T of amount is greater than 1200. Next we have quantifiers in tuple calculus. So we use two quantifiers. We are already aware of these quantifiers, existential and universal. Okay? If there is condition, we have to write there exists something for which this particular condition is true. Then we will be using existential quantifier. Now if we want to say for all tuples, for all departments, for all branch names, then we use the keyword. The quantifier, that is this symbol which stands for all, and we call it as a universal quantifier. ठीक है, just derived from the term universe, जिसमें सारा कुछ ही है. So that's why it is called universal quantifier, because it deals with for all. Now there is a, if we have to use this universal quantifier, then the query syntax will become like this. So इसमें आप इसको क्या read करो, there exists a tuple T. So we are writing there exists a tuple T in relation R, or you can call it as कि these tuples belongs to R relation, and then round brackets पे आप क्या specify करते हो, condition जिसके लिए वो predicate true है, Q of T means इस particular tuple के लिए ये particular condition, given condition है वो true है, means उसकी value match होके result retrieve हो रहा है। So this will be the syntax आपका जो search that के बाद आएगा। This portion is basically written after your such that line, that is macro symbol के बाद। सबसे पहले आप curly bracket start करोगे, उसमें लिखोगे T, क्योंकि T आएगी आएगी, because we are dealing with the tuple relational calculus। फिर आप such that लिखोगे, such that के बाद आप क्या लिखते हो, P, predicate की condition। तो उसके इसमें predicate की condition क्या आ गई, there exists some T, this T belongs to R, for Q of T is true। now move on to next example, it says find the loan for each loan,
ऑफ एन अकाउंट ग्रेटर देन 1200। अब हमारे पास कंडीशन सेज कि हमें वो लोन नंबर रिट्रीव करने हैं हर एक लोन के लिए, ठीक है, फॉर ईच लोन ऑफ एन अमाउंट ग्रेटर देन 1200। सो एज अमाउंट की जो कंडीशन है दैट इज अगेन सेम है, 1200 से ग्रेटर अमाउंट है, ठीक है, और हमारे पास रिट्रीव क्या करना है, लोन नंबर वी वांट टू रिट्रीव। तो उस केस में हमारे पास एक ही टेबल से सारी वैल्यूज आ जाएंगी, लोन टेबल से। तो अगर इस टाइप की क्वेरी आ जाए सो अगेन वी विल स्टार्ट विद टी। तो टी हमने सारी क्वेरीज में लिखने ही लिखने हैं। आफ्टर दैट यूज द सिंबल सच दैट। अब इस टप्पल में से हम सारे टप्पल नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, वी आर सेइंग कि उन टप्पल्स में से हमें सिर्फ वो वाले टप्पल सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे जो अमाउंट है वो 1200 से ग्रेटर है, ठीक है। तो उस केस में व्हाट विल वी डू, वी विल राइट सच दैट देयर एग्जिस्ट सम एस, मींस इफ सारे टी में से कुछ टप्पल्स, वो टप्पल्स कौन से हैं उनको हमने डिनोट कर दिया कि वो टप्पल्स हमारे एस वेरिएबल में जा रहे हैं। सो वी रोट देयर एग्जिस्ट सम एस, और वो एस किससे आ रहे हैं, लोन से। सो वी रोट एस बिलोंग्स टू लोन। अब कंडीशन क्या है, टी में क्या थे, ऑल टप्पल्स, एस में कौन सी है, वो टप्पल्स जिनके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है। कंडीशन कौन सी है कि अमाउंट जो है लोन की वो ग्रेटर देन 1200 है। तो इट मींस हमें इक्वालिटी करवानी पड़ेगी कि टी के टप्पल्स शुड बी इक्वल टू एस एस टप्पल्स, और वेयर यहाँ पे आपका कॉमन एट्रीब्यूट जो हमारे पास आता है दैट इज लोन नंबर, क्योंकि लोन नंबर ही एक ऐसा उसमें प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। सो उस क्वेरी को आप कैसे लिखोगे, रिट्रीव द टप्पल्स सच दैट देयर एग्जिस्ट सम एस, दिस एस बिलोंग्स टू एल लोन, और यू कैन कॉल इट दिस एस आर कमिंग फ्रॉम लोन टेबल। देन कंडीशन इज इक्वालिटी कंडीशन विच सेज कि जो टी का लोन नंबर है वो एस के लोन नंबर के इक्वल हो, और नेक्स्ट हमारे पास हमने सारे टप्पल नहीं रिट्रीव किए, एस में कुछ टप्पल रिट्रीव कर रहे हो, तो कंडीशन क्या है, एस ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 1200। तो इसको आप कैसे रीड करोगे, वी विल रीड इट एज द सेट ऑफ ऑल टप्पल्स टी सच दैट देयर एग्जिस्ट अ टप्पल एस इन अ रिलेशन लोन for which the value of T and S for loan number attributes are equal and the value of S for the amount attribute is greater than 1200. So this will be the full query in TRC. Now have a look at next query. One more query. It says find the name of all the customers. अब हमारे पास क्या है, हमें सारे customer के name चाहिए जिनका loan है, ठीक है, पैरेर इस ब्रांच से। तो कंडीशन सेज ये लोन है, मींस हमारे पास वो कस्टमर के नेम लोन और बोरोवर टेबल के कॉम्बिनेशन से आएंगे। बोरोवर टेबल में हमारे पास क्या होते हैं, कस्टमर के नेम होते हैं, ठीक है। लोन टेबल में हमारे पास क्या आता है, लोन में से हम उसका लोन की अमाउंट और उसके ब्रांच नेम को पिक करेंगे। सो वी आर यूजिंग कंडीशन ऑन पैरेर इस ब्रांच। तो इट मीन्स हमारे पास दिस क्वेरी नीड्स टू टप्पल्स। हमने जो पहले इसकी क्वेरी करी है रिलेशनल अलजेब्रा में करी है, ठीक है, और सेम क्वेरी हमने करी थी इन यूर सिक्वल सॉरी डीआरसी आल्सो, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस आल्सो। तो दोनों के केस पे हमारे पास दो टेबल यूज किए थे, बोरोवर एंड लोन टेबल। सो उस केस पे वी आर सेइंग कि इट नीड्स टू रिलेशंस, दो रिलेशंस वो कौन से हैं, बोरोवर एंड लोन। वी रिक्वायर टू देयर एग्जिस्ट क्लॉजेस। तो इसमें हमारे पास दो देयर एग्जिस्ट क्लॉजेस आएंगे in one tuple relation calculus expression conducted by conjunction. Now have a look the full solution for this query. It says T, this is the common, सभी के साथ आएगा, such that there exists some S, ठीक है, उस tup of सारे tuples के में से कुछ tuples S हम retrieve कर रहे हैं borrower table से, कहाँ पे, यहाँ पे T का customer name is equal to S का customer name, ठीक है, क्योंकि customer name was determinant in a borrower relation. Borrower relation में हमारे पास primary की कोई भी नहीं थी, but borrower relation में हमारे पास एक determinant था, और वो determinant कौन सा था, customer name. तो हमने उस table में से T में से जो tuples हम display करवा रहे हैं उनके लिए check कर रहे हैं कि वो S belongs to borrower है, और T of customer name जो हमारा है वो S of customer name हो जाए। फिर उसके बाद use the conjunction symbol, क्योंकि query का second part start हो गया। So here what will we do, we say there exists some U,
कुछ यू टपल्स है तो हमारे पास डुप्लीकेट सी ना आए, मीन्स कोई भी यू कैन से इसकी ओवरलोडिंग ना हो जाए वेरिएबल की, तो इसलिए हमने एक अलग वेरिएबल यूज कर लिया यू। यू में कौन सी रोज आ रही है? लोन टेबल से आ रही है, तो लोन टेबल्स के टपल्स हमारे पास किस में है? यू में। बॉरोअर टेबल के टपल्स किस में है? एस में है, बिकॉज सी हमने क्या किया है, देयर एग्जिस्ट सम एस बिलोंग्स टू बोरोअर, और यहाँ पे हमने क्या किया है, देयर एग्जिस्ट सम यू दैट बिलोंग्स टू लोन, और यहाँ पे आपकी कंडीशन किस पे आएगी, यू ऑफ लोन नंबर इक्वल टू एस ऑफ लोन नंबर। अब जो आपने यहाँ पे बोरोअर में से कस्टमर सेलेक्ट किए थे वो एस में है, तो यहाँ पे आप इसको टी से रिलेट नहीं करोगे, बिकॉज यू आर जो ब्रैकेट आपने यहाँ पे ओपन करी थी वो आपकी एंड में क्लोज हो रही है। बी केयरफुल अबाउट दिस, जो ब्रैकेट आपने यहाँ पे टी से पहले स्टार्ट करी है राउंड ब्रैकेट, वो आपकी पैरेलल्स के बाद क्लोज हो रही है। सो वही से सच दैट देयर एग्जिस्ट सम एस बिलोंग्स टू बोरोअर एंड टी ऑफ कस्टमर नेम इक्वल टू एस ऑफ कस्टमर नेम। इसके बेस पे जो हमारे पास एस में टपल्स है उनको हम यू से कंपेयर करवाएंगे। सो वी यूज यू बिलोंग्स टू लोन एंड यू ऑफ लोन नंबर इक्वल टू एस ऑफ लोन नंबर, और नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ गई, क्योंकि जो हमारे पास ब्रांच नेम है वो लोन टेबल में है और लोन टेबल के जो टपल्स है वो हमारे पास यू में है। सो वी यूज एंड यू ऑफ ब्रांच नेम इक्वल टू पैरेडिस, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। सो वी विल रीड इट एज इट लाइक दिस, इफ वी से द सेट ऑफ ऑल द टपल्स, दैट इज द सेट ऑफ ऑल द कस्टमर नेम टपल्स फॉर व्हिच द कस्टमर हैज अ लोन, दैट इज एट पैरेलिस ब्रांच, हियर टपल यू एनश्योर्स दैट द कस्टमर इन इज अ बोरोअर एट पैरेलिस ब्रांच। तो यहाँ पे आपने जो यू टपल्स यूज किया ये एनश्योर करते हैं कि जो भी हमारे पास कस्टमर है वो बोरोअर है और पैरेलिस ब्रांच से है। एंड वी से द टपल वेरिएबल एस क्या है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टेन, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टेन वेरिएबल टू सेम लोन नंबर एज एस, सो दैट हमारे पास सेम लोन नंबर वाले रिट्रीव हो जाए। नेक्स्ट क्वेरी है, फाइंड ऑल द कस्टमर्स हु हैव इधर अ लोन और अकाउंट और बोथ। तो हमें वो कस्टमर्स रिट्रीव करने हैं जिनका कोई जहाँ तो लोन है जहाँ कोई अकाउंट है जहाँ दोनों ही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग टी सच दैट देयर एग्जिस्ट सम एस, कुछ एस टपल्स जो बोरोअर में से आ रहे हैं, दिस कंडीशन इज सेम, और यहाँ पे क्या आ गया, और कंडीशन थी तो वहां पे कंजंक्शन थी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, डिसजंक्शन आ जाएगी, दिस विल बी द ओनली डिफरेंस। सो वी आर यूजिंग डिसजंक्शन, देयर एग्जिस्ट सम यू दैट बिलोंग्स टू डिपॉजिटर एंड टी ऑफ कस्टमर नेम इक्वल टू यू ऑफ कस्टमर नेम, दिस इज सिंपल क्वेरी। यहाँ पे हमारे पास दो क्वेरीज जहाँ जिनका बोरोअर है या फिर जो हमारे पास डिपॉजिटर में से आ रहे हैं। नाउ सी इन दिस क्वेरी व्हाट इज हैपनिंग, जो आपका डिपॉजिटर है इसमें से आप अलग से कस्टमर नेम रिट्रीव कर रहे हो, बोरोअर से हम वो कस्टमर ले रहे हैं जिनका कोई लोन है। डिपॉजिटर में से कौन से कस्टमर्स आप ले रहे हो जिनका कोई अकाउंट है, तो इस केस में दीज आर टू इंडिपेंडेंट क्वेरीज। तो यहाँ पे आप टी, यहाँ पे आप एस नहीं यूज करोगे, क्योंकि एस आपने बाइंड किया है बोरोअर के साथ, यू जो आपका है वो आपने बोरोअर किया सॉरी बाइंड किया है डिपॉजिटर के साथ। सो डायरेक्टली आपका जो कंपैरिजन होगा टी में होगा, बट इन द प्रीवियस केस अगर आप देखोगे तो उस केस में आप वो कस्टमर्स नेम और पैरेडिस ब्रांच का रिलेशनशिप था, दैट्स वाई आपने यहाँ पे एस यूज किया था, यू ऑफ लोन नंबर एस ऑफ लोन नंबर आपने यूज किया था, क्योंकि वो हमारे पास लोन नंबर, उस लोन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कस्टमर्स हैं, ठीक है। बट ये क्या है, ये दो इंडिपेंडेंट कस्टमर्स की लिस्ट है, एक कस्टमर की लिस्ट आपकी बोरोअर से आ गई, दूसरी हमारे पास कस्टमर्स की लिस्ट हमारे पास डिपॉजिटर से आ गई। सो दीज आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो यहाँ पे आप एस वाली एस को नहीं यूज करोगे, ये दोनों पार्ट्स आपके सेपरेटली चलेंगे। नेक्स्ट क्वेरी इज, फाइंड द कस्टमर हु हैव बोथ एन अकाउंट एंड लोन, जिनका दोनों ही है, तो नो अदर चेंज वी नीड टू डू, सिंपली इस कंजंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगी, डिसजंक्शन आ जाएगी, बाकी की क्वेरी आपकी सेम रहेगी जो हमने फोर्थ क्वेरी करी है। योर फिफ्थ क्वेरी विल बी सिमिलर टू फोर्थ क्वेरी, बिकॉज द ओनली डिफरेंस इज हियर वी सेड कि जिनका जहाँ तो लोन हो जहाँ अकाउंट हो जहाँ दोनों ही हो, बट इस केस में बट वी आर सेइंग इन दिस केस वी आर डूइंग कि जिनका कस्टमर का अकाउंट भी है एंड लोन भी है, तो हमारे पास डिसजंक्शन आ गई,
no other change is needed. Now sixth query is again a simplest query. इसमें हमारे पास जस्ट एक न्यू ऑपरेटर नीडेड आ जाएगा हमारे पास. सी हैव अ लुक निगेशन. निगेशन मीन्स नॉट ट्रू. अगर किसी कंडीशन में आपके पास ये आ जाए कि ये ना हो, इसको छोड़ के कुछ और हो, तो रादर देन उसको छोड़ के अगर सपोज मेरे पास 10 चीजें ट्रू हो तो आप 10 की लिस्ट दोगे. अगर मैं ये बोलूं कि उन 10 में से एक नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो, तो इट्स बेटर ऑप्शन कि वो 9 की लिस्ट देने की जगह पे आप सिंपली जो नहीं चाहिए उसको नॉट कर दो, उसको निगेट कर दो. तो उसके लिए वी यूज द ऑपरेटर निगेशन. निगेशन इज फॉर नॉट. सो व्हाट डू वी डू इन दिस केस. वी से कि फाइंड ऑल द कस्टमर्स हु हैव एन अकाउंट एट बैंक बट हु डोंट हैव अ लोन फ्रॉम दैट बैंक. मींस जिनका कोई अकाउंट है बट लोन नहीं है. क्वेरी आपके एज इट इज जैसे ये वाली है सेम ऐसे चल जाएगी. जस्ट बोरोअर वाली साइड पे क्या आ जाएगा, निगेशन आ जाएगा, क्योंकि वी सेड कि जिनका कोई लोन नहीं है तो उनको हम यूज करें. सो वी यूज के इनके यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए, निगेशन. सो द क्वेरी विल रिमेन सेम एज फिफ्थ क्वेरी. द ओनली डिफरेंस विल बी जो हमें नहीं चाहिए जिनका लोन नहीं है, तो इट मीन्स बोरोअर वाली साइड पे क्या आ गई, सब उस क्वेरी को कम्प्लीटली लिख लो, सबसे उसके आगे क्या लिख दो, निगेशन सिंबल यूज कर दो, नॉट वाला. देन I think these queries will be sufficient for you. If you have any doubt in these queries, then ask. Firstly, discuss, have a look at all these queries. You are having notes in your classroom of these. You can go through all the queries. ठीक है. If you have any doubt, then you can ask your queries. Anybody having any type of doubt, any confusion in any of the queries?